तू सब कई बार इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में सुना होगा। आज बात करते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन में ये EIS और OIS होते क्या है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन होता क्या है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत, लेट्स स्टार्ट। तो हम कई बार देखा स्मार्टफोन में इमेज स्टेबलाइजेशन या फिर कई DSLR के नाम में आपने कई बार सुना होगा इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में। आखिर ये इमेज स्टेबलाइजेशन इतना जरूरी क्यों है और ये क्या काम करता है? मान लो आपको तस्वीर खींचना चाहते हैं, जैसे ही आपने तस्वीर खींचने के लिए अपने स्मार्टफोन में क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करते हैं उसी समय आपका हाथ हिल जाता है, वो तस्वीर आप देखेंगे तो आपको एकदम ब्लर दिखाई देगी, यानी कि उसमें सभी ऑब्जेक्ट आपको हिले हुए दिखाई देंगे, आप उस तस्वीर को आसानी से नहीं देख सकते। ये उतने काम होता है स्टेबलाइजेशन को के कारण आप इस तस्वीर को सही खींच सकते हैं। यानी कि मान लो आप कोई तस्वीर खींच रहे हैं, आप अगर हाथ हिला तो उसमें जो IOS है इसका मतलब है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर, जो EIS है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर, जो OIS है इसके जरिए आप अगर हाथ हिलते हैं तो कैमरा है, अगर आपको हाथ ऐसे हिला तो कैमरा है जिसमें आपको सेंसर्स लगे हुए हैं, उन सेंसर्स के जरिए कैमरा अपने आप उसी तरफ मूव करेगा, यानी कि आपके हाथ अगर ऐसे गया तो वो कैमरा उसी अपोजिट साइड मूव करेगा जिससे आपको इमेज ज़्यादा बेहतर मिलेगी। साथ ही साथ ये आपको इसमें स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है, यानी कि जो इमेज हिलती है उसे इसे कंट्रोल किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक है इसके जरिए आप इसे किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए काम में ले सकते हैं, यानी या फिर आपके स्मार्टफोन में पहले से इसका सॉफ्टवेयर मौजूद हो सकता है। मान लो आपकी कोई तस्वीर खींची या फिर कोई वीडियो बनाया, वीडियो में आप चलते हुए वीडियो बना रहे हैं या फिर दौड़ते हुए, तो आपने कई बार देखा जो वीडियो है वो पूरी स्क्रीन सेक करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है इसमें अगर ये काम में लेते हैं तो आपको वीडियो थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ता है और हर फ्रेम के हिसाब से उसे सेट करना पड़ता है। इसके लिए कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, चाहे आप पावर बैटरी का में ले रहे हो या फिर प्रीमियम प्रो या फिर कोई और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इनके जरिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं। मगर जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है इसमें आपको सॉफ्टवेयर का में लेने की जरूरत नहीं है, ये एक हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इजी आपको कई एक्सपेंसिव स्मार्टफोन में ही देखने को मिलेगा या फिर कई जो महंगे कैमरे होते हैं उनमें मिलेगा। इनमें जो कैमरा है वो मूव करता है, यानी कि अगर आपने हाथ को ऐसे लाया तो कैमरा है वो सी एंगल में अपने आप मूव करेगा, यानी कि आपको इस इमेज हिलती हुई नजर नहीं आएगी। और साथ ही साथ जो आपने कोई तस्वीर खींची, मान लो आप स्मार्टफोन में जो तस्वीर खींच रहे हैं आपके स्मार्टफोन में जो OIS नहीं है और जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी नहीं है, तो जैसे आपने तस्वीर खींची आपने अगर फ्लैश कैमरा लिया है तो आपकी इमेज ठीक आ जाएगी, मगर अगर आप फ्लैश कैमरा नहीं ले रहे हैं तो आपकी इमेज आपको साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अगर आपका हाथ हिला तो वो इमेज भी आपकी खराब हो जाएगी। मगर जो अगर फ्लैश कैमरा ले रहे हैं तो उसमें जो शटर होता है वो एक सेकंड के लिए खुलता है और हाथों हाथ बंद हो जाता है, इसलिए आपको जो फ्लैश में आपको इतनी स्टेबलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो उसमें आपको शटर थोड़ी देर ही खुलता है। मगर आप नाइट में कोई तस्वीर ले रहे हैं तो फिर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। जब भी अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको चलना पड़ता है या फिर कोई व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको इमेज स्टेबलाइजेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। जो उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा इमेज स्टेबलाइजेशन क्या होती है, उसके क्या काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।